सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 है चिड़िया, यानी कि एक कविता, जिसे हमने पढ़ा, समझा, इसका अभ्यास भी कर लिया। आज हम इसका आखिरी अभ्यास करेंगे, जो है अब करने की बारी। तो बच्चों, अब करने की बारी में वो जो भी अभ्यास होता है वो आप लोगों के लिए होता है, आपको मैं समझाऊंगी और करेंगे आप। तो कल मैंने पहला इसका अभ्यास प्रश्न समझाया था आपको और बताया था कि पहला जो यहाँ पे अभ्यास है, इसमें आपको आधी पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों को पूरा करके एक नई कविता बनानी है। चित्र भी दिया हुआ है आपको, चित्र को ध्यान से देखना है। जो भी आपको चित्र को देखकर, जो भी कुछ आपको चित्र देखकर समझ में आता है, उसके अनुसार आप यहाँ पे पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, अगर हम इस चित्र को देखें तो सूरज नीचे है, यानी निकल रहा है, मतलब सूरज सुबह का समय है, सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, यानी सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलती हुई नजर आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है और जो फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे फूलों को देखकर खुश हो रहे हैं और तितलियां भंवरे सब फूलों के चारों तरफ मंडरा रही हैं। अब इन सभी चीजों को देख करके आपको इस कविता को पूरी करनी है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना है बच्चों, कि इस कविता में हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था तो मुख्य केंद्र चिड़िया ही रहेगी। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। कल मैंने आपको बोल करके बताया था, आज हम इसे लिख करके देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी कविता। कविता का प्रश्न है क, अब करने की बारी का प्रश्न है क, अपनी कविता। अपनी कविता बनाओ, अपनी कविता बनाओ। हमें यहाँ पे अपनी खुद की कविता बनानी है, जहाँ पे आधी पंक्ति दी है उसमें कुछ और शब्दों को जोड़ करके हमें इसे पूरा करना है। तो बच्चों, पहला आप देख सकते हो, पहली लाइन है सुबह सवेरे, स पे छोटे की मात्रा, व ह सुबह, स व पे ए की मात्रा, वे र पे ए की मात्रा, रे सुबह सवेरे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्थान दिया गया जहाँ हमें लिखना है, यह है पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में हमारे पास है आकर, आ कर आकर, ह मे की मात्रा, में हमें, आकर हमें, डैश पंक्ति खत्म। उसके बाद हमारे पास है मीठा, मे वही की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा, मीठा, या गीत, ग पे बड़ी की मात्रा, गीत गीत। उसके बाद है डैश, मीठे मीठा गीत, फिर है डैश सबका, स ब क पे आ की मात्रा, का म न मन, डैश यहाँ पे हम ऐसे करेंगे फिर डैश। अब बच्चों, ये पंक्ति है जो आपकी किताब में दी गई है, अब इसको हमें पूरा करना है। तो हमने चित्र को देख लिया और चित्र को देख करके हमने जो भी देखा उसके अनुसार यहाँ पे लिखते हैं। चित्र में चिड़िया है, सुबह का मौसम है, सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सवेरे क्या होता है, उठ कर चिड़िया, सुबह सवेरे उठ कर चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, उठ कर आगे आकर हमें जगाती है। सुबह सवेरे चिड़िया जो है उठकर आती है और आकर हमें जगाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उठ क और र कर एक शब्द हो गया, चिड़िया ज पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चिड़िया सुबह सवेरे उठकर चिड़िया क्या करती है, आकर आगे है आकर हमें, आकर हमें क्या करेगी, सुबह सवेरे हम क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, तो वो आकर के हमें उसमें जगाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकर हमें जगाती है, आकर हमें ज ग पे आ की मात्रा, गा त पे बड़ी की मात्रा, ती है, आकर हमें जगाती है।
सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है। आप अपने शब्दों को भी काफी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं तो कुछ और भी लगा सकते हैं। मीठा गीत और आकर के हमें जगा करके क्या करती है, मीठा गीत सुनाती है। स पे छोटे की मात्रा, न पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा और है। आकर हमें जगाती है और जगाने के बाद हमें क्या कहती है, करती है, मीठा गीत सुनाती है। और उसके बाद हमारे पास है सबका मन बहलाती है, और उसके बाद सबका मन बहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बह ला त पे बड़ी की मात्रा ती है। बहलाना मतलब मनोरंजन करना, हम सबका मनोरंजन करती है। इस तरह से बच्चों हमने अपनी पंक्तियाँ अपने शब्दों को लिख करके इन पंक्तियों को पूरा किया है। तो बच्चों कविता बन गई, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा गीत सुनाती है, सबका मन बहलाती है। तो हमने चित्र को भी देखा और शब्द दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते शब्द को जोड़ करके इस कविता को पूरा किया। फिर से मेरे साथ पढ़िए, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा गीत सुनाती है, सबका मन बहलाती है। हम यहाँ पे मीठे गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है भी लिख सकते हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो आप वो भी जोड़ करके इस कविता को पूरी कर सकते हैं। और बच्चों इस तरह से आपको कविता बनानी आएगी और आप थोड़े और क्रिएटिव बनेंगे या फिर सृजनात्मक बनेंगे। तो चलिए बच्चों ये अभ्यास भी हमने कर लिया, आप अपनी किताब को मेज को लिख लीजिए और पूरा कर लीजिए। अगर आप ये लिखना चाहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में कविता लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये था हमारा प्रश्न क, अब करने की बारी का प्रश्न क। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों ख, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ख में हमारे पास है चिड़िया के बारे में कुछ और कविताएं पढ़ो और सुनाओ। अब चिड़िया के बारे में हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है उसी के आधार पे हम कुछ और कविताओं को पढ़ेंगे और सुनाएंगे। तो ये आपके लिए है, इसलिए आप कुछ और कविताएं पढ़ेंगे और पढ़ करके उनको कक्षा में सुनाएंगे। और बच्चों इसी तरह से हम अगला, तो बच्चों आपको यहाँ पे चिड़िया के बारे में कुछ और कविताएं पढ़नी है और उसके बाद पढ़ करके याद करके उसे कक्षा में सुनानी है। तो आप ये भी आपके लिए है, आप करोगे, कविता पढ़ोगे और उसे याद करोगे और जब भी कहा जाएगा आप उसे अपनी कक्षा में सुनाओगे। उसके बाद ग, ग में हमारे पास है गत्ते से काटकर या रुई और कपड़े से चिड़िया बनाओ और कक्षा में सजाओ। तो आप गत्ता जानते हैं, दफ्ती जो होता है यानी कि जो कड़ा वाला पेपर होता है, हमारे कॉपी के का जो कवर होता है वो भी कड़ा होता है, उसे भी हम गत्ता कहते हैं। उसमें आप चिड़िया का आकार बना सकते हो यानी चिड़िया का की पिक्चर बना सकते हो और उसको काट करके उसे रुई से या कपड़े से सजा करके आप चिड़िया बना सकते हो और फिर उसके बाद उसे अपनी क्लास में सजाओगे। तो जो भी आप सभी को ये बनाना है और जो भी सबसे बेस्ट 5 रहेगा उसे हम अपनी क्लास में लगाएंगे। तो बच्चों ये भी आपके लिए है, आप इसे करोगे, एक दफ्ती लोगे। अगर आपको दफ्ती नहीं मिलती या गत्ता नहीं मिलता तो आप किसी भी अपनी पुरानी नोटबुक में का जो पीछे का कड़ा वाला भाग होता है या आगे वाला उसका कवर होता है उसको निकाल करके, उसके ऊपर वाले दफ्ती को निकाल करके उसमें एक चिड़िया का चित्र बनाओगे पेंसिल से और उसके बाद बनाने के बाद उसको उसी आकार में काट लोगे यानी उसी शेप में काटोगे चिड़िया के आकार में और उसके बाद उस पर जहाँ ज़रूरत पड़े आप उसको कलर कर सकते हो या फिर उसमें रुई लगा करके या कपड़े काट के लगा करके एक चिड़िया जैसा आकार दोगे और जिसका जिस जो भी आप सभी बनाओगे और जिसका भी सबसे जो पहले 5 सबसे बेस्ट वाले होंगे उनको हम अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगाएंगे। तो सभी को बनाना है और सब अपनी तरफ से कोशिश करिए अच्छा बनाने की और बाकी भी हम बारी बारी से लगाएंगे लेकिन सबसे पहला जो हम 5 लगाएंगे वो बेस्ट वाला होगा। तो देखते हैं कौन कैसा बनाता है, आप सभी बना करके ला करके दिखाएंगे। तो बच्चों ये प्रश्न ग था, ये भी आपके लिए था, आप सभी जानते हो कि अब करने की बारी वाले सारे प्रश्न आप लोगों के लिए होता है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो कि बिंदु मिलाकर चित्र पूरे करो और रंग भरो, इसके नाम लिखो। तो यहाँ पे 3 पक्षी बने हैं, तोता है,
उसके बाद मोर है और उसके बाद बगुला है। इन सभी को पहले आप बिंदियों को मिला करके इनका चित्र पूरा करोगे और उसके बाद जो भी इनके रंग होते हैं उन रंग को भर करके इसे पूरा करोगे। तो बच्चों के आखिरी प्रश्न था, ये भी आपके लिए है। तो जितना भी आज हमने जिन जिन प्रश्नों पर विचार किया उन सभी को आप करोगे और उसके बाद आप करके आप जो दिखाने वाली चीज़ें आप मुझे दिखाओगे और जो याद करने वाली चीज़ें आप याद करके रखेंगे। जब भी मौका मिलेगा आपसे हम कविता पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ हमने हमारी कविता जो कि पार्ट 11 था चिड़िया वो समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद बच्चों हम अगले पार्ट में बढ़ने से पहले या अगला पार्ट शुरू करने से पहले चलिए कुछ बातों पर विचार करते हैं। तो चिड़िया पार्ट हमारा खत्म हो गया, आप इस कविता को याद करेंगे और इसी तरह की और भी कविताएं पढ़ करके याद करेंगे। जब भी मौका मिलेगा हमें हम कक्षा में आप लोगों से पूछ सकते हैं। बच्चों हम आ रहा अगला पार्ट बताने से पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बच्चों हाजिर जवाब का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाब से आप क्या समझते हैं? हाजिर जवाब होना यानी किसी प्रश्न का तुरंत जवाब देना। बच्चों अगर आपसे किसी भी तरह का प्रश्न किया जाता है और झट से आप उसका जवाब दे देते हो, तुरंत सोचकर एक सटीक जवाब या सही जवाब दे देते हो, तो उसे हाजिर जवाब ही कहते हैं। तो हमारे इतिहास में बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग प्रसिद्ध हैं जो अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने माने जाते हैं और उन्हें लोग बहुत पसंद किया करते थे। तो इसी तरह का एक व्यक्तित्व है तेनालीराम का, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर टीवी सीरियल में देखा भी होगा, क्योंकि टीवी सीरियल में कुछ दिन पहले तेनालीराम का सीरियल आ रहा था जिसमें तेनालीराम से संबंधित सारे किस्से कहानियाँ जो भी प्रसिद्ध है वो हमें एक एक करके दिखाई जा रही थी। तो आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि वो मनोरंजन से भरा हुआ था और उसे देख करके बहुत ही आनंद आता था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी अपने टीवी में देखा होगा। बच्चों तो आप ऐसे बहुत सारे कहानी किससे जानते होंगे जो तेनालीराम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों आप क्या जानते हो तेनालीराम के बारे में? जो तेनालीराम थे वह राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार या मंत्री थे। बच्चों सलाहकार का मतलब कौन होता है? सलाहकार वह होता है जिसकी राजा सलाह लेते हैं, और जिसकी राजा सलाह लेता है वो कोई विशेष व्यक्ति ही होगा, यानी बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत चतुर होता है। तो उसी तरह से तेनालीराम जो थे वो बुद्धिमान भी थे, चतुर भी थे और हाजिर जवाब भी के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो हाजिर जवाब भी थे। तो बच्चों उनकी चतुराई के बहुत सारे किस्से प्रसिद्ध हैं और आपने सुने और पढ़े भी होंगे। नहीं भी पढ़ा होगा तो जैसा कि मैंने आपने बताया कि आपने सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा। तो बच्चों हम आज यहाँ पे उन्हीं किस्सों में से एक कहानी हमारे सामने है, यानी नाटक जिसे हम कह सकते हैं, एक एकांकी के रूप में हमें एक कहानी दी गई है, उस कहानी को हम पढ़ेंगे और तेनालीराम के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये थी उनकी बुद्धि, मतलब ये थी उनके बारे में कुछ बातें जो कि हम सब जानते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या आप जानते हो तेनालीराम ना सिर्फ बुद्धिमान, हाजिर जवाब या चतुर थे, इसके अलावा वो बहुत ही मतलब कि हंसी मजाक करने वाले इंसान थे। वो हंसी मजाक में ही बहुत कुछ कह जाते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था, और हंसी मजाक में ही वो बहुत बड़े बड़े से मसलों का हल निकाल देते थे और किसी को समझ में नहीं आता था और सब आश्चर्यचकित रहते थे। और जो लोग बहुत ऐसे लोगों से लोग पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जब किसी को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है या फिर किसी को भी ज़्यादा कोई मानता है तो उसके साथ जो लोग होते हैं वो उन्हें नापसंद करना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें उनसे ईर्ष्या होने लगती है। तो यही हाल तेनालीराम का भी था, क्योंकि जो तेनालीराम थे बच्चों वो बहुत हाजिर जवाब थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे। वो राजा की को के सामने जो भी समस्या आती थी वो चुटकियों में उसका हल निकाल देते थे। इसकी वजह से जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम अपने पाठ का नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारा पाठ 12 कॉपी आपकी मात्रा पाठ 12 का नाम है कितने कौवे। तो हमारे पाठ का नाम है कितने कौवे, कॉपी ऑ की मात्रा कौ ए। अब बच्चों
कितने कौवे, ये एक कहानी है जो कि तेनालीराम से संबंधित है। इस कहानी में भी तेनालीराम ने अपने बुद्धिमानी, अपनी चतुराई, अपनी हाजिर जवाबी से एक बार फिर राजा जो थे, जिनके वो मंत्री थे, जिनके वो सलाहकार थे कृष्णदेव राय, उनको उन्होंने प्रभावित किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा सफल लोग होते हैं, जिनको लोग बहुत उनके आसपास के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो उनके आसपास के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं, यानी कि उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो यही हाल तेनालीराम का भी था। तो बच्चों, आज मैंने आपको तेनालीराम के बारे में बताया, और क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है तो हम अपनी बात अगले वीडियो में आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए जो भी हमने आपको बताया कि तेनालीराम के किस्से बहुत प्रसिद्ध है, तो किसी एक किस्से को आप पढ़ करके आएंगे, ताकि आप मेरे साथ जब मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगी या समझाऊं तो आपको समझ में आए कि तेनालीराम कितने चतुर थे, बुद्धिमान थे और हाजिर जवाब थे, इसलिए राजा उन्हें बहुत पसंद भी किया करते थे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी लोग का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।